अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर डे एंड अदर व्लॉग तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे हैर हरियत से होंगे मैं अपने चैनल पे न्यू आने वाले सब लोगों को वेलकम करती हूँ और जो लोग मेरी वीडियो पे न्यू हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें आज का अपना व्लॉग जो है वो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है ये जी सुबह तकरीबन आठ साढ़े आठ बजे का टाइम है तो आज मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल आई हूँ और हॉस्पिटल ये आप लोग देख सकते हैं सामने एक चेयर छोड़ के एक चेयर के ऊपर लिखा हुआ है कि इसको आपने हाल ही छोड़ना है इसके ऊपर बैठने की परमिशन नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से अब ऐसे ही है और उसके अलावा ये था कि वार जो वेटिंग रूम है उसमें भी तीन से चार लोग सिर्फ बैठ सकते हैं ज़्यादा नहीं वो भी आपने हॉस्पिटल पे जाके बेल करनी है और अंदर से जब डोर खोलना है और तीन से चार लोग से ज़्यादा वो अलाउ नहीं कर रहे थे उसके साथ ये था कि आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है उसको भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है अभी तक बड़ी स्ट्रिकनेस चल रही है वैसे है तो बहुत अच्छा क्योंकि ये सब कुछ हम लोगों के लिए ही है एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होती हैं उसके बाद जी हॉस्पिटल से आने के बाद रूटीन के काम स्टार्ट हो गए यहाँ पर जी मैं क्लीनिंग स्टार्ट किया और यहाँ पर अभी हनि खाते हुए पता नहीं क्या क्या सोफे पे फेंका हुआ था और अब मैं सोफ़ा साफ़ कर रही हूँ उसके बाद मैं क्लीनिंग सारी करूँगी डस्टिंग वगैरह पहले कर रही थी सारी तो मैंने सोचा कि पहले डस्टिंग वगैरह करूँगी पहले सोफ़े पे मैंने वैसे साफ़ किया अब थोड़ा सा ना इसको स्प्रे करूँगी अगर जिधर कोई चीज़ ऐसी है जो साफ नहीं हुई तो वो साफ़ हो जाएगी और ये जो जगह होती है बच्चे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाते हुए फेंक देते हैं और यहाँ पर हमेशा जो है वो मैं दो तीन दिन के बाद ज़रूर ही साफ़ करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाए तो याद भी नहीं रहता और मसला हो जाता है और यहाँ पर जी ये डाइनिंग टेबल है और अब ने इधर बैठी हुई थी खाना खाने के लिए अपनी चेयर पे और ये शीट जो है वो ख़राब कर दी है तो अब इस वक्त तो मैं सुबह सुबह न्यू नहीं लेने जा रही थी क्योंकि मार्केट तो मैंने सोचा इसकी साइड जो है वो चेंज कर देती हूँ क्योंकि अगर इसकी साइड इधर ही रहेगी तो बीहा फिर से ज़्यादा इसको ख़राब करेगी तो मैंने सोचा यही बेहतर रहेगा कि मैं इसको चेंज कर दो इसकी साइड मैंने चेंज कर दी क्योंकि फिर ये था कि ज़्यादा ख़राब होगी और फिर ज़्यादा मसला होगा और फिर इन देखते हैं जी अब ये न्यू ही लेनी है और यहाँ पर जी दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ मटर पुलाव और मटर पुलाव जो है उसके पुलाव में जब दम देने लगे तो उसके ऊपर जब हम गरम मसाला डालते हैं और वो दम में उसकी जो खुशबू और वो जायका होता है वो तो लाजवाब जवाब होता है और ये आदत मुझे अपनी अम्मी से है क्योंकि वो भी ऐसा ही करते थे और साबत जो मसाला होता है उसका अपना ही होता है जहाँ पर साथ मैंने सोचा चले चट्टी बना लेती हूँ काफ़ी टाइम के बाद चटनी बनाने रही हूँ चावलों के साथ क्योंकि हम ज़्यादा रायता ही बनाते हैं नमाज़ को ज़्यादा पसंद है तो वही ही बनाते हैं और साथ में फिर मैंने सलाद बनाया चावलों के लिए तो वो थोड़ी बड़ी कटिंग की थी क्योंकि वो ये अच्छा लगता है थोड़ा छोटा ही क्योंकि जो बड़ा होता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता पर्सनली और जी मटर पुलाव भी रेडी हो चुका है और मैंने साथ में सलाद भी बना लिया है और चटनी भी बना ली है तो बहुत दिन के बाद मटर पुलाव और चटनी ऐसे खाने लगी हूँ क्योंकि ज़्यादा बिरयानी ही बन रही थी तो यहाँ पर जी दम जो है वो मैं खोलने लगी हूँ मैंने दम दे दिया था और बहुत ही मज़े का और बहुत ही खिला खिला और बिल्कुल सारे चावल एक एक दाना थे बिल्कुल बहुत ही अच्छा बना हुआ था बहुत मज़े का और जब मैं ये पुलाव बना रही थी तब मेरा फुल ध्यान जो है वो पुलाव की तरफ नहीं था क्योंकि मुझे एक दो कॉल आ गई थी घर से तो मैं साथ में बात भी कर रही थी और साथ में खाना बना रही थी और मुझे यही था कि अब मेरा ध्यान दोनों साइड पे है लेकिन बहुत ही मज़े का बना था बहुत ही अच्छा चावल भी बहुत अच्छे थे क्योंकि पुलाव वगैरह और बिरयानी का चावल जो है उस पर भी होता है कि वो कैसी हैं तो चावल भी बहुत अच्छे थे और यहाँ पर जी है तक असर का टाइम है मौसम तो काफ़ी ज़्यादा जर्मन में चेंज हो चुका है जो जर्मन में लोग रहते हैं उनको तो बहुत आइडिया है इस दफ़ा तो जर्मन में बिल्कुल गर्मी नहीं हुई सिर्फ दो वीक में दो दो दिन हो हुई है बिल्कुल गर्मी नहीं हुई दो वीक में दो दिन फिर एक वीक के बाद फिर एक वीक में दो बार हुई है और बाकी मौसम बहुत ही अच्छा रहा है लास्ट टाइम गर्मी हो गई थी तकरीबन अगस्त में बीस पच्चीस दिन गर्मी हुई थी लेकिन इस बार नहीं हुई और फिर ये जी आई हुई थी आइसक्रीम तो हमने सोचा चली आइसक्रीम खाते हैं और उसके बाद जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो ग्रोसरी करके लाए थे आजकल जी ग्रोसरी का जो काम है वो मेरे हस्बैंड ने संभाला हुआ है क्योंकि अभी और बुरहान छोटे हैं तो फिर इसलिए मैं मार्केट नहीं जाती मुश्किल होता है कोरोना भी है तो इसलिए ये जी इन इन चीज़ों की तो घर में बहुत ज़रूरत होती है अगर आपको आप, आपकी कोई लाइट खराब हो गई है या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है कोई आपने चीज़ न्यू लगानी है कोई बच्चों का टॉय लाए हैं कुछ भी तो इनकी तो बहुत ही ज़रूरत होती है घर में और ये भी पहले थे लेकिन ये न्यू आए हैं उसके साथ हुआ ये है कि हमारी लाइट्स जो हैं वो ख़राब हुई थी कल तो हमने सोचा ये क्या हो गया और हमारी जो टीवी वी लाउंग उसकी खराब थी फिर नमाज जो है उनकी डबल ड्यूटी थी वो दो दिन नहीं ला सके तो वो लाइट्स लेके आए हैं और यहाँ पर जी ये मैंने तरतलोनी मंगवाई है स्पिनिज और ये मैंने एक दो दफ़ा पहले खाई थी इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी मजे की होती है अच्छी होती है और ये आए हैं जी ब्रेड ये अभी हक के लिए आए हैं मुझे तो कोई खास अच्छे नहीं लगे एक दफ़ा पहले भी आए थे लेकिन अभी हाँ ने खा लिए थे इस बार देखूंगी अगर अच्छे लगे उसने खा लिए तो नेक्स्ट टाइम भी मंगवाएंगे और यहाँ पर जी ये है ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट हमारे घर में बहुत जल्दी ख़त्म होता है और हम वीकली ले आते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि शाम को जब बैठते हैं तो फिर ज़रूर खाते हैं हालांकि लेट जो ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए पर हम तो खाने की आदी हो चुके हैं और खाते ही हैं और ये जी है किशमिश इससे पहले जो किशमिश आई थी वो ज़्यादा वाली ब्लैक थी और ये बटर है बटर तो मैंने और ये जी कापोचिनो जो है ये मैंने मंगवाई है क्योंकि लास्ट टाइम नवाज़ लेके आए थे और मैंने पी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी है दूसरी काफ़ी से तो मैंने बोला कि कापोचिनो मेरे लिए ज़रूर लाएँ क्योंकि पहले दूसरी काफ़ी आई हुई है ये हैं अंडे और अंडे जो हैं वो भी हाँ को बहुत अच्छे लगते हैं मज़े से खाती हैं और ये फ्रोज़न जो है वेजिटेबल है क्योंकि बाज़ का होता है कि टाइम नहीं आई किसी वजह से थोड़ा बहुत बना लेते हैं और यहाँ पर जी ये वेजिटेबल्स हैं और मैं हमेशा ही वेजिटेबल्स जो हैं जब आती हैं फ्रूट्स वग़ैरह और वेजिटेबल्स उनको उसी वक्त धो के खुश करके टिश्यू पेपर से खुश कर लेती हूँ और फिर उनको फ्रिज में रखती हूँ मुझे ईजी लगता है ऐसे करना क्योंकि ये होता है कि जब आप बाद में यूज़ करते हैं तो आपको मुश्किल नहीं होती तो ये जी चाय लेके आई हूँ मैं और ये जो है ये इधर एक आरबिक शॉप है उधर से मैंने शॉपिंग थोड़ी सी की है क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से आ रही थी तो आते हुए ही मैं ये चीज़ें ले के आई हूँ ये अचार हैं शान वालों का उसके अलावा कीमा लाई थी उसके अलावा रोटियाँ लाई थी और अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसके साथ ही आज मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़